तो ओके गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में खेलेंगे हम आइस स्क्रीम। तो पहले तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, क्या बताऊँ। ये टोटल 8 पार्ट हैं और सबसे पहले हम खेलेंगे पहला पार्ट, एक एक करके खेलेंगे। तो इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है भाई, जो बेचने वाला अंकल है भाई, आइसक्रीम बेचने की आहड़ में अपनी वैन में भाई बच्चों को किडनैप करता है और अपने साथ फैक्ट्री में ले जाके ना जाने भाई क्या क्या करता है। तो बस हमारा काम ये है कि जितने भी इसने बच्चे आज तक किडनैप करे हैं, हमें उन्हें एस्केप करवाना है फैक्ट्री से। तो ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं हम सीधा गेम में। तो यहाँ पे मैंने सब घोस्ट नॉर्मल रखता हूँ मैं, घोस्ट तो हार्ड रखूँ भाई, ठीक है, मैंने नॉर्मल रखा है क्योंकि हार्ड में खेल नहीं सकता और घोस्ट में खेला नहीं जाएगा। हमारा खेला तो जाएगा बट मज़ा नहीं आएगा ना। ना लुक एट दी विंडो, ओके क्या है भाई खिड़की, ओके बाहर एक आइसक्रीम के ठेला नहीं भाई, वैन वैन आ रखे। इंडिया में ठेला होते, ठेले भी नहीं होते बट ठीक है, स्टॉल होते हैं। ये एक मोटा गया है उसके पास आइसक्रीम लेने के लिए। भाई इसका चेहरा देखो, पकड़ लिया। अभी इसने क्या किया, अपने मुंह से कुछ उल्टी तो नहीं कर दी भाई उसके मुंह में, उल्टी तो नहीं यार, कुछ फेंका हमारी ठंडी चीज़ और उससे वो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, दैट बॉय नीड्स योर हेल्प इन रूप एंड इन अ ड्रॉ टू गेट डाउन टू द स्ट्रीट। ओके, तो हमें सड़क में जाने के लिए भाई रस्सी की क्या जरूरत है यार, दरवाजा है तो पीछे क्या यार, यहाँ पे लगा रखी है, अलमारी खुल नहीं रही। बाकी ये नीचे वाइट ड्रॉ, इनको खोलता हूँ मैं फटाफट से। यहाँ कुछ नहीं है पक्का, इसमें होगा, अभी इसमें भी नहीं है भाई, कैसे जाऊँ मैं, ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉर इसमें होगा शायद, ये बड़ा है। ओके, यहाँ पे भाई इतनी पतली रूह भाई, वजन तो संभाल लेगी ना, शायद हम भी छोटे बच्चे ही हैं। ठीक है, बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी सीन और यू विल गेट इन टू ट्रबल, फाइंड अ प्लेस टू हाइड। ओके, वैन खोल तो दिए मैंने, और ये रहा भाई, उसको पिंजरे के अंदर बंद कर रखा, अब क्या फ्रीज हो गया वो एकदम गर्दन टेढ़ी। आई कुड पुट अ मैप हियर, मैप का मैंने क्या करना भाई, पता नहीं मैप का क्या करना है मेरे को। बाकी वैन है उसकी पूरी की पूरी, आगे कोई पोस्ट है, ये तो नहीं मैप। ओके, लास्ट ने पता नहीं क्या लिखा है यार, कोई गंदा आदमी शायद, वो मुजरिम है वो, यू कैन गो फार। ओके, मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता, मैप ढूंढना है ना मैं, यहाँ मैप कहाँ मिलेगा, घर के अंदर, घर के अंदर जा नहीं सकता। ये रूम से वापस जाऊँ, रूम में भी नहीं जा रहा, ये डॉगी का हाउस है और यहाँ पे मैं छुप सकता हूँ भाई जैसे वो आएगा। बाकी एक मिनट, भी अंदर ही था क्या भाई, क्या गाने गा रहा है, बच्चों को किडनैप करके गाने गाते थे, सही है। ओके, इसकी पॉकेट से या कुछ भाई पीछे टांग रखा था इसने, वो छूट चुका है शायद, यही है मैप, इसको लेके हमें जाना है उस वैन में लगाने हैं। भाई मैप क्यों लगाने हैं यार, आइसक्रीम मेकर्स ड्रॉप अ मैप। ओके, मैप कहाँ, यहाँ पे प्लेस करना था ना, बंद कर देता हूँ, यहाँ पे प्लेस करा मैप। ओके, शायद हम यहाँ, ग्रेट नाउ दैट यू नो, मैंने किसी 5 प्लेस से मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं हूँ मैप। शायद हम इस वैन से ट्रैवल कर सकते हैं इधर उधर, और नेक्स्ट स्टॉप है प्ले ग्राउंड। ये एक बात बताओ भाई, हमें वैन तो वही चलाएगा ना, तो वो हमें लेके क्यों नहीं जाता, क्या सीन है। बाकी उसका टारगेट होगा शायद मैप में सेट कर रखा और हम उसके टारगेट को इधर उधर कर देते होंगे, इसलिए वो चले जाता होगा इधर उधर हमारे कहने पे। ठीक है, प्ले ग्राउंड है तो यहाँ पे तो नहीं होगा कोई बच्चा, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाई झूले लगे पड़े हैं, झूले खेलने का भी टाइम नहीं है। बाकी ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट में पक्का हम छुप सकते होंगे, पक्का मुझे पता था। ठीक है, छुप सकते हैं हम, तो चलते हैं आगे ढूंढते हैं भाई यहाँ क्या है। अबे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फिसल पट्टी है। ओके, ये रहा भाई, इसका साउंड मेरे को आ तो रहा था बट मेरे को कंफ्यूज हो गया था कहाँ पे था मैं। बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार। ओके, यहाँ पे कुछ पड़ा है, जैकेट, गार्ड जैकेट, यहाँ पे ऑफिस की मिल चुकी है, ऑफिस की, और ये फ्यूल गैस स्टेशन, इफ़ आई हैड अ पेट्रोल कैन आई कुड यूज, पता नहीं क्या है यार। बाकी यहाँ पे ऑफिस की मिली है, ऑफिस कहाँ है भाई, ऑफिस का ये क्या है, प्ले ग्राउंड में कोई ऑफिस होता है क्या, पता नहीं। बाकी वैन में चलते हैं, मैप सेट करते हैं, ये फेंकते इधर, और इस बार चलते हैं हम पार्किंग चले, एक काम करते हैं कैफेटेरिया चलते हैं भाई, वहाँ देखते हैं क्या है, कॉफ़ी पियेंगे थोड़ा वहीं से, भाई क्या ही पिला देगा मैं कॉफ़ी,
कैफेटेरिया, लेट्स गो नेक्स्ट स्टॉप। ओके यहाँ पे भाई एकदम सुनसान है, रात का टाइम है। गेट किसने खोला भाई? गेट अपने आप खुला क्या? बाकी हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। ओके यहाँ पे कार्ड रीडर, रीडर पता नहीं क्या है भाई, रीडर यू कुड यूज द आईडी कार्ड अनलॉक द एक्सेस। ओके अंदर चला तो चुका, ये विंडो है, विंडो के थ्रू हम अंदर जा सकते हैं भाई, वाह ये बड़ा अच्छा सीन है। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, हमें कुछ ढूंढना है ना, कार्ड ढूंढना है हमें। और बाकी उसने मुझे देख लिया भाई, आ गया, मुझे भागना पड़ेगा, मैं अंदर फंस नहीं सकता, मुझे इसको पूरा ट्रैप करके यार घुमा फिरा के टॉयलेट में नहीं छुप सकता मैं, ये टॉयलेट में भी आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके करता हूँ बंद, उधर साइड से आएगा, मैं खिड़की से अंदर चल जाऊँगा भाई। ये चला गया मैं विंडो के अंदर, और शायद अब वो कन्फ्यूज हो चुका है। यस म्यूजिक चेंज हो चुका है, बाकी ये वर्कर वियर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम टर्न विल बी ब्रैड। ओ पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये ब्रैड। कि यहाँ पे एक कैश है जिसमें वो मशीन है जिसमें कैश रखते हैं, उसमें भी कुछ होगा शायद, मुझे लग रहा है। पास जा सकता हूँ मैं इसके? ओ भाई देख लिया देख लिया देख लिया भाई, कितनी नज़दीक था मेरे, पकड़ सकता था मेरे को, उल्टी कर देता मेरे मुंह में। बाकी भागते भाई यहाँ से, कूदता हूँ मैं सीधा इधर साइड। ओके भाई बाथरूम में भी कुछ नहीं है भाई, बाथरूम एक वॉशरूम, क्या है ये, अलग अलग बना रखे भाई दो बाथरूम। आ चुका है वो इसके थ्रू भाई, ऐसे ही घुमाऊंगा भाई इसको। और ये पोस्टर यहाँ भी लग रखा है यार। ओके ये रहा, देखा तो नहीं होगा यार उसने भाई, उसके पास तो नहीं यार कहीं एक्सेस कार्ड, पता नहीं कोई नहीं है। बाकी वो अंदर ही, अभी उधर साइड चल के देखूँ थोड़ा बहुत भाई ये जाना, मैं थोड़ा किचन में चेक करूँ यार, किचन में अभी तक मैंने पूरा प्रॉपर चेक नहीं करा। बाकी यहीं घूमा जा रहा है भाई, पता नहीं भाई जो चाहिए तेरे को उठाना, चलते हैं फिर, चलते हैं। यहाँ देखा नहीं मैंने, यहाँ कूड़ेदान है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। ये की से खुलेगा कुछ नहीं यार, की तो ऑफिस ही नहीं, ऑफिस थोड़ा नहीं। बाकी अभी नहीं भागा भाई, वो यहीं पे हो, यहीं पे है वो, यहीं पे ठीक है। कैश वाले में कुछ इतना कुछ तो है यार, मुझे ऐसा लग रहा वो है कहाँ, मुझे वॉशरूम जा रहा था शायद, मुझे ऐसा लग रहा आया तो नहीं हो, आ गया शायद। यहाँ से मैं जंप मार के जा सकता हूँ उधर? जंप मार के भी नहीं जा सकता ना भाई। ओके देख लिया उसने, भागो भाई भागो भाई, कितने नज़दीक था वो मेरे अभी भी भाई। ये आएगा जैसी, ये डोर कर दूंगा क्लोज एकदम, ठीक है। भाग भाई भाग भाग भाई, डोर क्लोज ही नहीं हुआ भाई। भाई चलो ये सही है कि हॉर गेम में एकदम भूत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, इसमें थोड़ा कम स्पीड से आ रहा है। बाकी मैं इसको अब जा चुका था इस भाई, मनी जिसमें मनी रखते हैं उस मशीन में कुछ है नहीं भाई, मुझ तब से उसी के पीछे पड़ा हुआ था, उसने देख लिया मेरे को फिर से। यार इधर साइड बंद है, इधर साइड चलते हैं। आजा भाई आजा, तेरे साथ में पकड़ा पकड़ाई खेलूँ थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके यहाँ पर कुछ है क्या? छुप सकता हूँ मैं नीचे से वैसे भी। ओके छुप गया मैं, शायद उसने देख लिया मेरे को, पकड़ लेगा। ओके चला गया भाई, इजी, बेवकूफ़ है बहुत, देखा ही नहीं, अंधा है अंधा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है थोड़ा, अबे देख लिया उसने फिर से, भागो भागो भाई, इतनी नज़दीक से गया ना मैं उसके, कसम से बता रहा। बाकी चलते हैं, एक काम करते हैं, वहाँ तो कुछ है नहीं, एक काम पार्किंग में चलते हैं भाई, ऑफिस की है पार्किंग, चलते हैं थोड़ा देखते हैं क्या है पार्किंग में। पार्किंग ठीक लग रहा भाई मेरे को, नेक्स्ट स्टॉप पार्किंग। ओ भाई पार्किंग तो अंडरग्राउंड है, मुझे लगा था खुले मैदान में होगी एकदम फील्ड में। बाकी पार्किंग यहाँ पे है, ये ऑफिस की है, इसको उठा लें क्या, कुछ काम आएगी शायद नहीं। और यहाँ पे एक छोटी सी कार्ट है, इस पर इसको हम चला सकते हैं क्या? चला सकते हैं शायद, फ्यूल ही नहीं भाई उस कार्ट में, फ्यूल भी ला के डालना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है उसको चलाना है हमें। बाकी इसको, ओ भाई इसको मैंने गिरा दिया, उसको आवाज़ आ गई होगी, वो आ रहा होगा इधर ही साइड।
चलते हैं यहाँ, देखते हैं भाई कुछ होगा। यहाँ तो इतने सारे रूम है भाई, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। शटर है भाई, ठीक है। यहाँ पे बगल में एक रूम तो है, इसको खोल दिया मैंने। किसी का साउंड आया भाई हंसने का, अरे पकड़ के मारे ना मेरे को कोई। ठीक है चलते हैं आगे। ये ड्रॉर भाई, यहाँ कमरों में कमरे हैं भाई, भाई कितने सारे कमरे हैं यहाँ। ओके ये ऑफिस होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा। एक बार खोल के देखो। ओके खुल चुका है ये, नोटिस आया होगा पक्का। ठीक है गार्डियंस ऑफिस है, यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें। ब्रीफ केस, ब्रीफ केस में क्या है कि ये बटन, यहाँ कुछ नहीं है। ब्रीफ केस में कुछ है भाई, ये बड़ा इतने सारे आईडी कार्ड ब्रेड। ओके मिल गया भाई मेरे को, ब्रेड नाम था भाई इसका। आईडी कार्ड चाहिए था मुझे कैफ़े में जाने के लिए। लेट्स गो, मिल चुका है मुझे एक्सेस। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसको खोलो। चलते हैं सीधा कैफेटेरिया फिर से मैं, हमें एक्सेस कार्ड तो वैसे भी मिल चुका है। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। कैफेटेरिया कहाँ है भाई वैन, यहाँ तो भाई रास्ते रास्ते हैं, यहीं से आया था मैं। यस यहीं से आया था। और ओ एक मिनट एक मिनट भाई, ये आगे जा रहे हैं एकदम मटकाते मटकाते मटकते मटकते हैं मतलब। भाई कैसे चल रहा है ये, इतनी स्लो कैसे चल सकता है कोई, इससे फास्ट तो वहीं भाग रहा। अबे यार ये तो एक घंटा लगा देगा जाते जाते। भाई चल कैसे रहा, चाल देखो ना इसकी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, राइट से निकल जाता हूँ भाई, इससे पहले पहुँच जाऊँगा राइट से। यहाँ पे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स जाना है नहीं मेरे को। बाकी कहाँ जाऊँ, इधर साइड जाऊँ। ओके वैन दिख चुकी है मेरे को, वो आ तो नहीं रहा शायद, वो वैन में चढ़ गई साइड। चलते हैं यार कैफेटेरिया चलते हैं, लेट्स गो कैफेटेरिया। भाई इसको तो हम अपने इशारों में नचा रहे हैं यार, जहाँ मार कर रहे हैं वहीं ले जा रहा है गाड़ी। बाकी आ चुके हैं हम कैफेटेरिया, अब चलते हैं। ये रहा उसका कार्ड, फेंकते हैं भाई इस कार्ड को, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या मिला हमें, प्लायर, प्लायर का क्या करना है भाई हमें। ऑथराइज एक्सेस टू स्टोर रूम हैज़ बीन ऑथराइज, ओके यहाँ कुछ नहीं है, चलते हैं इसको फेंकते हैं। अब चलते हैं स्टॉल, स्टॉल चलते हैं, अब स्टॉल में देखते हैं क्या है भाई। ओके आज ओ अबे ये यहीं पे है, अबे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हेलो पकड़ लिया भाई पकड़ लिया। तो ओके गाइस आज के लिए ये वीडियो इतना ही। तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमें एक्सिस कार्ड भी मिल चुका था, की भी मिल, ऑफिस की तो वहीं लगनी थी। हाँ ठीक है ठीक है, एक्सिस कार्ड मिल चुका था, बाकी हमें प्लायर मिला था जो हमने गाड़ी के अंदर रख दिया था। बट भाई जैसे मैं स्टॉल में गया, मैं जैसे बाहर निकला भाई वो क्या आगे आ रहा, वो पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं क्या सीन है। तो देखते हैं भाई अगले एपिसोड में, ये पहले पार्ट का दूसरा एपिसोड आएगा अभी, अभी पहला पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए गाइस ये वीडियो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर सा लाइक कर देना, कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आइस स्ट्रीम गेम कैसा लगा है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस, बाय बाय।